सर फिल्म भाईजान के 5 गाने हमें देखने को मिल चुके हैं, ट्रेलर का क्या लगता है कब तक आएगा? जी हाँ, देखिए फाइनली ट्रेलर आ रहा है 10 तारीख को, नोट कर लीजिए आप लोग प्रॉपर एक डेट नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से कि 10 अप्रैल को हमको भाईजान का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। टाइम अभी नहीं बताऊंगा, टाइम मैं बता दूंगा आपको कुछ टाइम के बाद के, देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आप मानिए 11 से 12 बजे के बीच में, 12 बजे समथिंग के आसपास ही आएगा, लेकिन अभी टाइम प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियल नहीं है टाइम भी इसलिए, लेकिन 10 तारीख को प्रॉपर आ रहा है, 10 अप्रैल को भाईजान का आपको ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। बेहतरीन एक के बाद एक गाने आ गए हैं, एक के बाद एक बेहतरीन गाने देखने को मिला, अभी लुंगी वाला सॉन्ग भी आ चुका है, सारे गानों में सबसे बेहतर वही चल भी रहा है, अगर आप देखें तो उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लोग रामचरण का वो भी देखना पसंद कर रहे हैं डांस करते हुए देख के, मतलब मज़ा आ रहा है, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही है इनको तीनों को साथ में देख के, पूजा हेगड़े भी लुंगी वाला डांस करते हुए देख रही है, सॉन्ग्स भी काफ़ी बढ़िया रहे हैं, मज़ेदार रहे हैं, 4-5 सॉन्ग्स आ चुके हैं टोटल, अब ऐसे में ट्रेलर दिया जा रहा है, मज़ा आ जाने वाला है। रिलीज़ के 10-11 दिन पहले ट्रेलर देना अपने आप में एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी, जो आमतौर पर हमारे टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल जो स्ट्रैटेजी चलती रही थी उन स्ट्रैटेजीज़ को तोड़ रही हैं फिल्में, अगर आप देखें तो पहले पठान ने उस चीज़ को तोड़ा और फिर इसने तोड़ा, अगर आप देखें तो देखिए पठान के साथ तो मैं ऐसा समझता हूँ, हालांकि ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है, अगर आप आज से 10-12 साल पहले भी चले जाएँ तो भी ये स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गई थी, पर ये स्ट्रैटेजीज़ रेयर थी, काफ़ी यूज टू नहीं थी इतनी अगर आप देखें, हालांकि पठान में ऐसा था कि पठान के फिल्म में सिर्फ 2 ही गाने थे, अब ऐसे में वो लोग बाद में करते तो वो मज़ा नहीं आता, इस वजह से उन्होंने क्या करा कि पहले टीजर दे दिया धमाकेदार और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों गानों को निपटा दिया और फिर उन्होंने ट्रेलर दिया, इस वजह से सके भाईजान में तो गाने ढेर सारे थे, इस वजह से उन्होंने गाने दिए और अभी भी 5 गाने देने के बाद भी गाने और बचे हैं फिल्म के अंदर, इस वजह से जो है थोड़ा सा इंतजार करवाया गया और फाइनली अब हमको ट्रेलर देखने को मिल रहा है फिल्म भाईजान का, तो मज़ा आ जाने वाला है। 10 तारीख को ट्रेलर आएगा, तूफान मचाएगा, सलमान खान फैंस से सभी से बिल्कुल गुजारिश करूंगा मैं कि 4 साल बाद सलमान भाई वापसी कर रहे ईद पर थिएटर्स के अंदर, तो तूफान मचा दीजिए ट्रेलर के लेकर।